सरकार को ये तभी संभव है जब सरकार स्वयं ऐसा करते हुए दिखे। क्यों नहीं सरकार सारी बैठ के और ये सब वर्चुअल कर देती है? क्यों राजनीतिक दल ये रैलियां कर रहे हैं और क्यों राजनीतिक दल बैठ के कर रहे हैं? बड़ी बैठकें बंद कर देना चाहिए। कुछ समय अगर ऐसी बैठकें नहीं होंगी तो इससे नुकसान नहीं हो जाएगा। दूसरा, जब सभी राजनीतिक दल वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर जाएंगे तो किसी को किसी से खतरा भी नहीं रहेगा। ये बात जनता को समझाना पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि सरकार की मंशा ये है कि आर्थिक गतिविधियां मध्य प्रदेश में चालू रहें, लेकिन सख्ती बराबर रहे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर भुवनेश्वर गर्ग जी भी हैं। डॉक्टर साहब, आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर ये जो तीसरा वेरिएंट ओमिक्रॉन जो है वो कितना खतरनाक है और जिस तेजी से वो फैल रहा है, तो कितनी तारीख तक, जनवरी या फरवरी में क्या कुछ एक मियाद हो सकती है कि जब कोरोना अपने पीक पर होगा? देखिए कृष्णा जी, हम लगातार ये बात सबसे कह रहे हैं और सबको जागृत करने की कोशिश भी कर रहे हैं। आज आपने ये इशू उठाया है, ये बहुत अच्छी बात है। लोगों को ओमिक्रॉन या उसके आगे आने वाले IHU या और भी जो फ्लोरिना या और बहुत सारे आने वाले हैं, उनसे आप कतई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे देश में अमूमन सबको लगभग एक या दो टीके लग चुके हैं, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ ताकत तो सबके शरीरों में है। यहाँ ये बहुत समझने की बात होगी कि जो वायरस जितनी तेजी से फैलता है, वो उतनी तेजी से उसके खिलाफ समाज में, देश में, लोगों के बीच में इम्यूनिटी भी बना लेता है और धीरे धीरे फिर वो नष्ट होकर एंडेमिक रह जाता है। यहाँ एंडेमिक का अर्थ ये है कि बहुत साफ शब्दों में समझा जाना चाहिए कि पूरे विश्व की मैं बात नहीं करता, लेकिन भारत देश से अब महामारी खत्म होने की कगार पर है। अब ये जगह जगह पर एंडेमिक होकर रह जाएगा। एंडेमिक का अर्थ ये है कि जहां भी लोगों के शरीर में कुपोषण है, उनके अंदर इम्यूनिटी कम है, वो बड़े बूढ़े बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके अंदर कोई गंभीर बीमारी है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या किडनी से रिलेटेड, तो उनके अंदर इसकी संभावना रहेगी कि आने वाले 2-3-4 सालों तक इससे संक्रमित होते रहेंगे और उनमें जान माल का बेहद नुकसान होगा। हम अमूमन आकलन करते हैं कि 20% जनसंख्या किसी भी देश में इस तरह की होती है, जो बीमार होती है, कमजोर होती है और उनमें पोषण की कमी होती है। तो हमें ये ध्यान देना होगा कि हम लगातार इन जगहों पर रेंडम सीरो टेस्ट करते रहें। ये हम सारे हमारे आर्टिकल्स में वकालत कर रहे हैं कि सरकार को हर जगह पर रेंडम सीरो टेस्ट लगातार करवाने चाहिए, ताकि उस जगह का इम्यूनिटी पैटर्न, उस जगह का पोषण का पैटर्न और उस जगह का रेजिस्टेंस पावर हम लोगों को मालूम पड़ता रहे, ताकि उसके खिलाफ सार्थक कार्रवाइयां समय के साथ होती रहें। ये नहीं कि जब कुछ हुआ था उस समय पे लीपापोती हो। तो इसलिए आपने जो ये सवाल उठाया कि ओमिक्रॉन कितना घातक होगा, तो ओमिक्रॉन बिल्कुल घातक नहीं होगा। उनके लिए जो लोग टीके लगवा चुके हैं, जो लोग फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, जो लोग मास्क लगा रहे हैं और जो लोग हाइजीन और खान पान का बेहद ध्यान रख रहे हैं, ताजा भोजन ग्रहण कर रहे हैं। भुवनेश्वर गर्ग जी, टीकाकरण इस लिहाज से आपकी बात पे अगर गौर करें तो इस लिहाज से ये माना जाना चाहिए कि दूसरी लहर जैसे भले ही संक्रमण इसका तेजी से फैले, मामले ज्यादा आए, लेकिन दूसरी लहर जैसे हालात नहीं बनने वाले। बिल्कुल कृष्णा जी, दूसरी लहर में भी ये देखिए कि डर और दहशत का माहौल बना था, दवाइयां नहीं है, बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, इस तरह से बहुत घबराने का माहौल बनाया गया था। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ कि हमारे देश में हर साल 5-7 लाख मौतें सिर्फ लंग्स की निमोनिया की वजह से होती थी, वो मौतें सिर्फ 1.5 लाख हुई हैं इस पूरे आपदा काल में भी। तो इसे हम अच्छा आंकड़ा कहें कि खराब आंकड़ा कहें, ये चूंकि हम सब जगह से दिखा रहे थे कि ढेरों मौतें हो रही हैं, अस्पताल में जगह नहीं है, तो डर और दहशत लगातार बन रही थी। हमें कोशिश करना चाहिए कि हम ये डर और दहशत ना बनने दें, अब आंकड़े ना दिखाएं। देखिए अमेरिका में भी जहां 10 लाख मरीज रोज मिल रहे हैं, वहां भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या 6-7 हजार रह गई है मात्र, तो ये बेहद सकारात्मक होने वाला है। साउथ अफ्रीका से ओमिक्रॉन शुरू हुआ था, आज वहां लगभग खत्म होने की स्टेज पर है। डेल्टा जरूर अभी भी कहर मचा रहा है, क्योंकि डेल्टा को हमने देखा था कि डेल्टा की मारक पावर बहुत ज्यादा थी, इसलिए हम लोगों को जागरूक रहना होगा, सब लोगों को टीके लगाने की ओर प्रेरित करना होगा, भीड़ से बचना होगा और मास्क जरूर लगाना होगा। बिल्कुल शंकरलाल तिवारी जी, जैसे सुशील शर्मा जी ने कहा कि सरकार को या राजनीतिक दलों के जो लोग हैं उनको सबसे पहले पहल करनी होगी कोरोना की जागरूकता को लेकर, और उसके बाद फिर आम आदमी उस पहल में, उस मुहिम में साथ जुड़ते चले जाएंगे, तो क्या
सरकार अब इस मामले को लेकर लगातार पहल कर रही है, तो क्या जो भाजपा या कांग्रेस से जुड़े हुए राजनेता हैं वो अब इस पहल में आगे आएंगे? तिवारी जी, हेलो जी, तिवारी जी आवाज आ रही है? आ रही है सर। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे सुशील शर्मा जी ने कहा कि राजनीतिक दलों के जो लोग हैं इनको कोरोना के लिए जागरूकता फैलाने के लिए आगे आना होगा, तो क्या बीजेपी और कांग्रेस या दूसरे दलों के जो नेता हैं क्या वो आगे आएंगे कोरोना से जन जागरूकता को लेकर? नहीं, निश्चित रूप से डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही है और उनकी बातों का अनुसरण होना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि प्रदेश के अंदर वैक्सीनेशन और तेज होना चाहिए, जबकि प्रदेश में सच में यदि अन्य राज्यों की तुलना की जाए तो प्रदेश काफी अग्रणी रहा है वैक्सीनेशन के मामले में। कोरोना वॉरियर्स हेल्थ वर्कर्स और माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल पर आप सबने जो जागरूकता मीडिया ने भी फैलाई उसके कारण वैक्सीनेशन प्रदेश के अंदर बहुत अच्छा हुआ है। अभी भी वैक्सीनेशन काफी तेजी अभियान पूरे अभियान के बाद महाअभियान के माध्यम से चल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने और बच्चों को भी वयस्कों के किशोरों को भी टीका लगाने की कार्रवाई पिछले दिनों शुरू हो चुकी है और एक बूस्टर डोज की भी बात आई है जो अत्यधिक अन्य गंभीर बीमारियों के शिकार है, 60 वर्ष के ऊपर आयु के लोग हैं उनको ओमिक्रॉन के खतरे से बचने के लिए आवश्यकता अनुरूप बूस्टर डोज की भी बात चल रही है। मैं भी चाहता हूँ कि किशोरों को वैक्सीन पे तेजी आए, प्रदेश के अंदर और वैक्सीन लगे, क्योंकि वैक्सीन लगने से और कोरोना प्राण घातक नहीं हो पाता है और प्रदेश के अंदर काफी मात्रा में वैक्सीन लगी है, अभी भी जरूरत है और बूस्टर डोज भी यहाँ जैसा आवश्यक है और हेल्थ वर्कर्स के डॉक्टर्स के मार्गदर्शन पर सरकार लगाने जा रही है और इस नाते घबराए तो नहीं पर जागरूक रहे, सतर्क रहे। और इसमें राजनेता भाजपा ने तो हर पोलिंग बूथ तक वॉलंटियर्स तैयार किए हैं जिनके माध्यम से वैक्सीन लगाने का भी काम और जन जागरण का काम भी चल रहा है, उसे और करने की जरूरत है जिसमें तमाम सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन और सभी राजनीतिक संगठन अपना हाथ बटाए तो अच्छा होगा। बिल्कुल शंकरलाल तिवारी जी, हम सबको पता है कि वैक्सीन के मामले में मध्य प्रदेश अग्रणी है, मध्य प्रदेश में तेजी से वैक्सीन लग रही है, लेकिन बात जागरूकता की है। वैक्सीन तो लग गई वो एक अलग मसला हो गया, लेकिन जागरूकता जब तक लोगों में नहीं होगी तब तक लोग एकजुट होते रहेंगे। शादी ब्याह या दूसरे मामले हैं, अभी 16 तारीख से सीजन आने वाला है शादियों का, तो उसमें एकजुट होते रहेंगे, तो क्या ये जागरूकता फैलाने की जरूरत नहीं है? क्या लोगों को जागरूक करने की जरूरत नहीं है और इसका संदेश सबसे पहले राजनेता ही दें? जरूरत है जो आप कह रहे हैं और जो आप कर रहे हैं इस डिबेट के माध्यम से, एकमात्र जागरूकता फैलाने की और जागरूकता जो फैलाई जाए। तिवारी जी मेरा सवाल तो जरा एक बार समझ लीजिए, मेरा सवाल ये था कि राजनेताओं को सबसे पहले अपने से ही ये पहल करने की जरूरत है कि जो भी भीड़ भाड़ वाली रैली या जो भी सभाएं हम कर रहे हैं उसको क्यों ना हम वर्चुअल तौर पर करें, या वर्चुअल तौर पर नहीं हो रहा है तो बहुत छोटे 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 टुकड़ों में लोगों को जो हम बात कहना चाह रहे हैं वो धीरे धीरे एक ग्रुप बाई ग्रुप के हिसाब से बांट लिया जाए और उनको समझाया जाए। तो इसकी पहल हम राजनेताओं से शुरू करें और उसके बाद जनता उसमें जुड़ती जाएगी, मेरा ये कहना था। मैंने इस संबंध में आपका कहना सर्वथा उचित है और इस संबंध में राजनेताओं को चाहे जिस पार्टी को हो, मेरी पार्टी हो चाहे जो हो, उनको विचार करना चाहिए, शासन को भी इस पर, प्रशासन प्रदेश शासन या जिला प्रशासन को भी इन रैलियों के लिए कलेक्टर्स को मुख्यमंत्री जी के द्वारा सरकार द्वारा कहा गया है कि जहाँ आवश्यक हो वहाँ सख्ती भी बरते और जहाँ आवश्यक हो वहाँ इन पर रोक भी लगाए। ये बातें शादी ब्याह के मामले में भी और बहुत ही जल्दी होने जा रही है, मॉनिटरिंग के आधार पर सरकार भी उठा रही है कदम, राजनेता
सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन, ये भी इसमें तत्पर होकर लगे। हम पहले भी लड़ाई जीते हैं, ओमिक्रॉन से भी जीतेंगे। सुशील शर्मा जी, पहली कोरोना की जब पहली लहर आई थी, हमने देखा था कि किस तरीके से पूरे सामाजिक संगठन हो, आम आदमी हो, कोरोना वॉरियर्स हो, सब एकजुट होकर पूरे कोरोना से लोगों को बचाने के लिए, लोगों की मदद के लिए आगे आए थे। क्या अब उसी तरीके, जिस तरीके से संक्रमण फैल रहा है, क्या उसी तरीके से एक फिर से मुहिम की जरूरत है? कृष्णा जी, सवाल नहीं सुन पाए। सुशील शर्मा जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि पहली लहर में जिस तरीके से पूरे सामाजिक संगठन, कोरोना वॉरियर्स और जो लोग हैं, आम आदमी भी, लोगों की मदद के लिए आगे आए थे, क्या कोरोना संक्रमण जितनी तेजी से फैल रहा है, क्या फिर उसी तरीके की जन जागरूकता और उसी तरीके से एकजुट होने की जरूरत है? स्वाभाविक रूप से किसी भी महामारी, किसी भी आपदा के समय समाज का एकजुट होना जरूरी है। लेकिन समाज एकजुट तभी होता है जब आचरण व्यवहार में सरकार के नजर आता है। अब देखिए, हम और आप लोग जब भी देखते, हमको खुद आश्चर्य होता है कि नेता लोग या सरकार जो है नसीहत बहुत देती है, मंत्री नसीहत देते हैं कि सावधानी बरतिए, और खुद जो है असावधान नजर आते हैं। तो ये जो भ्रम होता है, इस भ्रम के कारण आप देखिए कि बाजारों में भीड़ उमड़ने लगी और लोग जो है कोरोना की वो गाइडलाइन भूल गए। और एक बात और, देखिए जब भी आपदा आती है, यदि स्थितियां बहुत विषम हो जाती हैं, तो सामाजिक लोग सारा बीड़ा अपने कंधों पे लेते ही हैं। हमने ये पहले लॉकडाउन में भी देखा, दूसरे लॉकडाउन में भी देखा कि लोगों ने मदद के लिए भी खुले दिल से लोगों की मदद भी की, फिर चाहे वो आर्थिक मदद हो या दवाइयों और अन्य चीजों की उपलब्धता की हो। तो समाज तो जैसा व्यवहार देखता है, जिनको वो आइडियल मान के चलता है या जिनमें आदर्श की स्थिति देखता है, अगर वो लोग ही पालन नहीं करते हैं तो स्थिति ज्यादा खराब होती है और उसके परिणाम फिर जो है ज्यादा नुकसान करते हैं। ये सबसे बड़ी बात राजनेताओं को समझना चाहिए। राजनेताओं की एक अपील पे यदि लोग थाली बजा सकते हैं, तो वो इस मास अपील को जो है नेताओं को समझना होगा कि उनके जो बोलने से यदि लोग कहना मानते हैं, तो वो आचरण में भी वैसा ही रखें। भुवनेश्वर गर्ग जी, अब एक सवाल आपसे कि कोरोना के जो तीसरी लहर है, ओमिक्रॉन वेरिएंट है, इस ओमिक्रॉन वेरिएंट से कैसे बचें, लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये इस सब को लेकर थोड़ी सी एक जागरूकता भरी कुछ अगर आप कुछ सलाह या कुछ टिप्स दे सकें और लोगों कैसे बचें। देखिए बिल्कुल, सबसे पहली बात तो डरे नहीं, घबराए नहीं, आंकड़ों से बिल्कुल विचलित ना हो कि आज इतने केस आ गए, कल इतने केस आ गए, आज इतने लोग मर गए। यहाँ मैं फिर बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ कि अब इस बीमारी से डरने घबराने की जरूरत नहीं है। इस बीमारी में मौत सिर्फ डर और दहशत से ही हो रही है। हाँ, आपको क्या क्या करना चाहिए, जितना आप धूप में पसीना बहा सके, देखिए ठंड का मौसम है, धूप वैसे ही कम है, जितनी आपको धूप मिल सके धूप में पसीना बहाइए। पसीना बहाते शरीरों से वायरस कभी भी खिलवाड़ नहीं करते। आप मुझे बताइए कितनी झुग्गी झोपड़ियों में, कितने मजदूरों में, कितना मेहनत करने वाले लोगों में कोरोना का प्रकोप देखा गया, किसी में भी नहीं। यहाँ दूसरी बात ये भी साफ तौर पर है कि आपको बेहद संयम और हाइजीन का ध्यान रखते हुए अपने आप को व्यवस्थाओं में कायम रखना है। लगातार ताजे भोजन का सेवन करना है, लगातार गर्म पेय पदार्थों का सेवन करना है, भीड़ में नहीं जाना है जब तक बहुत जरूरी ना हो, किसी भी तरह के दिखावे वाले भारी भरकम कामों में बहुत ढेर सारे मजमा लगाने वाले शादी ब्याह जश्न के जैसे माहौल मुलतवी कर दिए जाने चाहिए अगले 2-3 सालों के लिए, मेरा ये मानना है। और जहां तक हो सके आपको फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क जरूर लगाना है, और जिन जिन लोगों ने भी वैक्सीन नहीं लगवाया है, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है उनसे कि आप तुरंत वैक्सीन लगवाइए। आने वाले समय में अगले 2-3 साल तक कोविड और कोविड के ढेर सारे म्यूटेशन आएंगे। अभी चाइना की बायोलॉजिकल वॉर है ये, जिससे हम लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं। हमारे पास लगातार इस बात को लेकर संकट खड़े होंगे कि हम हमारी अर्थव्यवस्था को भी बचाएं और हमारे जीवनों को भी बचाएं। तो इसलिए सब वैक्सीन जरूर लगवाएं ताकि आपको मुसीबत से छुटकारा पाने में आसानी हो। आप बीमार पड़ सकते हैं लेकिन आप गंभीर रूप से बीमार नहीं पड़ेंगे। आपको अस्पताल जाने की नौबत पड़ सकती है लेकिन आप आईसीयू में नहीं जाएंगे। तो सबको सुरक्षित रहने के लिए बहुत जरूरी है कि अपने आप को बिल्कुल सूरमा ना समझें और बेहद सावधानी के साथ सारे प्रयासों को करें जो लगातार कोविड प्रोटोकॉल में, कुदरत अनुकूल व्यवहार में,
और अपने आसपास के जल जीवन को, पेड़ों को संचय करने की कोशिश करिए। आपको फ्रेश एयर मिलते रहना चाहिए लगातार, जिससे आप अपने आप का बचाव कर सकें। बिल्कुल, आप बचाव करना ही जरूरी है और सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, शंकरलाल तिवारी जी, सुशील शर्मा जी और भुवनेश्वर गर्ग जी। तो कोरोना को लेकर हम सबको बचाव करना होगा, क्योंकि कोरोना के केवल ये आखिरी वेरिएंट ओमिक्रॉन नहीं है, इसके बाद भी कई और नए म्यूटेंट इस देश में या पूरी दुनिया में आने वाले हैं। इसलिए कोरोना के साथ में हमें जीने की आदत डाल लेनी चाहिए और कोरोना से जो बचाव की जो सावधानियां हैं वो हमारे जीवन और दिनचर्या में शामिल हो जानी चाहिए। फिलहाल डीएनएन एजेंडा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।